पाटनगर की बेटी बांसुरी अग्रवाल ने कॉमर्स विषय की प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान बनाया है और जिले में बांसुरी को पहला स्थान मिला है। एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बांसुरी अग्रवाल की सफलता का पता चला तो परिजनों में जश्न का माहौल बन गया। बांसुरी के परिजनों गुरुजनों ने उसे मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान पाटन नगर परिषद अध्यक्ष आचार्य जगेंद्र सिंह, पार्षद कैलाश पाठक भी बांसुरी के घर पहुंचे और उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दी। बांसुरी नगर के प्रतिष्ठित नागरिक आकाश अग्रवाल सपना अग्रवाल की पुत्री हैं। अपनी बेटी की सफलता पर परिजनों में खुशी का माहौल है। इसवा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल पाटन की छात्रा बांसुरी आगे चलकर सीए बनना चाहती हैं। जी जानना चाहेंगे कौन सा आपका स्थान लगा है प्राविण्य सूची में? मैंने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और जो एमपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट बनती है कॉमर्स ग्रुप की उसमें मैंने एट्थ रैंक मिला है मेरे को। किस तरह की पढ़ाई की थी आपने? मैंने मतलब रटने की कोशिश ना करके जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको क्लियर करने की मैं टीचर थी कि मैं रटूँ ना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जिस चीज़ को हमारी बुक हमें जो समझाना चाहती है हम वो समझने की कोशिश करें तो वो उसमें ज़्यादा अच्छी बात रहती है। अब आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं सीए का करना चाहूँगी। सर कैसा लग रहा है आपके स्कूल की एक छात्रा ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया है? देखिए जैसे ही मुझे पता चला कि हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट आया है तो हमें पता चला कि 95% आए हैं तो हमने सोचा कि रैंक तो लगा होगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद न्यूज़ मिली तो खुशी की सीमा नहीं रही और 12 सालों में पहली बार पाटन मिसपा मिशन स्कूल पाटन ने यह स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं संचालक महोदय, स्टाफ, उप प्राचार्य अनुश्री और अभिभावक जिनके सहयोग से ये पूरा इसने प्राप्त किया स्थान उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को कि देखिए पढ़ाई एक सभी बच्चे करते हैं लेकिन अनुशासन में रहकर और शिक्षक का जो जानकारी जो शिक्षक देते हैं उसको सही समय पर सही ढंग से अगर उपलब्ध करें तो हर बच्चा स्थान प्राप्त करेगा। आचार्य जी कैसा लग रहा है आपके नगर की एक छात्रा ने गौरवान्वित किया है? आज जैसे ही यह सूचना और जानकारी मिली कि हमारे नगर की बिटिया और ख़ास तौर से मेरे निवास वार्ड की बिटिया बांसुरी अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट में प्रथम रैंक और प्रदेश में आठवां रैंक तो खुशी से मैं फूला नहीं समाया, क्योंकि इस बात की खुशी ज़्यादा हुई कि वो मेरे स्टूडेंट की बिटिया है तो इस बात की ज़्यादा खुशी हुई। और अक्सर मैं मिसपा मिशन स्कूल जाता था और इस बात को हमेशा मैं बोलता था जब भी अवसर मिलता था बच्चों के बीच में जाके कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो तो 100 बच्चों से जब कोई बात करो तो 5 बच्चे उसमें से ऐसे निकलते हैं। मातश्री ने मेरी बात को माना और उसने अपना लक्ष्य तय किया और मैं तो चाहता था कि और आगे जो भी परीक्षाओं में वो और प्रदेश से और नेशनल स्तर पे वो अपना नाम रोशन और हमारे नगर का नाम रोशन करे उसको बहुत बहुत हमारी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं और स्कूल परिवार को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे को बहुत ही अधिक खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया रानी ने स्टेट लेवल में 8th रैंक हासिल की है और जबलपुर और पाटन दोनों में 1st रैंक हासिल की है। ये सब उसी की मेहनत का फल है, उसने दिन रात से मेहनत की है बिना कोचिंग के बिना किसी सपोर्ट के, उसने मोबाइल से और अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही इस मुकाम को हासिल किया है। मेरा सपोर्ट पूरा था और उसके जो भी कन्फ्यूज़न थे वो मैंने दूर किए हैं। भाई शुरू से लेके 12th से लेके 12th तक तो माँ ने ही पूरी मेहनत की है साथ में और साथ में बब्बा दादी का चाचा चाची का समय समय पर मार्गदर्शन ही मिलता रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत माँ ने की है उसके साथ शुरू से। घर का काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती हैं। छात्र छात्राएं आजकल बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं जी, ऐसे में क्या कहना? उसका सबसे बड़ा कारण है कॉन्फिडेंस की कमी। बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने को जो भी हमने पढ़ाई की है उसको उस पर कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने जो पढ़ा है हमें याद है उसको हम अपने तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हम अपने अंदर से कॉन्फिडेंट हैं तो हम कहीं भी सफलता हासिल कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है बच्चों को हमेशा टॉप आने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, उस हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करें तो बच्चे हमेशा अच्छा करते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का दबाव बच्चों को हमेशा तनाव में डाल देता है। हम बच्चों से हमेशा कहते हैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत करो फिर आगे भगवान की मर्जी है। अब भविष्य के लिए क्या सोच रहा है? भविष्य की अब वो सीए की तैयारी करने बोल रही है
तो सीए की तैयारी करेगी, प्रभु ने चाहा तो उसमें भी अच्छा मुकाम हासिल करेगी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।